जल बोर्ड के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है कि जल बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट अपने ही डिपार्टमेंट से परेशान होकर जल बोर्ड के बिलों को जला रहे हैं। ये दिल्ली जल बोर्ड की कहानी है और ये जो बिल जला रहे हैं मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती जी है, और ये बिल क्यों जला रहे हैं खुद इन्हीं से जानते हैं। भारती जी, होली से पहले, होलिका दहन से पहले आपने होलिका दहन मना लिया, वजह क्या है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो हो रहा है, हम इसमें कोई खुश नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने अपना काम कर दिया था। अपने वोट की ताकत से दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को 62 सीटें दे दी। अब क्या हमारी बारी थी काम करने की? हमने खूब काम किया। केजरीवाल जी ने शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, बस राइड में इतना काम किया कि भाजपा तंग हो गई कि भाई इनके कामों के आगे हम बौने साबित हो रहे हैं। इन्हें ना स्कूल बनाना आता है, ना अस्पताल बनाना आता है, ना बिजली, ना पानी, कुछ नहीं करना आता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि मैं चोर दरवाजे से ऐसा काम करेंगे काम ही न कर पाए। इन्होंने पहले जो दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं उनका कंट्रोल हमसे छीना। अब सोचिए कि ये इस भारत के डेमोक्रेसी में कभी ऐसा हुआ होगा कि चुनी हुई सरकार का मुख्यमंत्री एक स्कीम लेकर के आए और स्कीम को वहाँ का सेक्रेटरी कैबिनेट में लाने से मना कर दे? इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? बाबा साहब जहाँ कहीं भी होंगे देख के रो रहे होंगे कि क्या किया भाजपा ने भारत का, भारत के संविधान का इन्होंने क्या किया, भारत के डेमोक्रेसी का इन्होंने क्या किया। तो जो कोरोना के पहले जो बिल 0 आ रहे थे, अब वो अगर कोरोना के बाद, चूँकि कोरोना में लोगों ने रीडिंग नहीं लिया, मीटर रीडर नहीं आए, अगर उनका कोरोना के बाद बिल आने लगा 2000-2500, तो नेचुरल सी बात है, आपने सोचे कि भाई अरविंद जी ने हमारा बिल 0 कर रखा था, क्यों आ रहा है? तो कारण यह था कि उन्होंने रीडिंग नहीं ली, तो नेचुरल सी बात है कि वो आदमी सोचे कि भाई हमारा कुछ इसको वापस करो, रिवर्स करो, एक्चुअल में लेके आओ। तो ऐसे दिल्ली में 10.5 लाख कनेक्शन है, एक नहीं है। तो आज मालवीय नगर के वार्ड 148 के अंदर, जिसके हमारे पार्षद कमल भारद्वाज जी हैं, तो वहाँ दिल्ली, यहाँ क्षेत्र की जनता ने, हमारे वॉलंटियर्स ने, हमारे पार्षद और हम सब लोग मिल करके आज जनता को हमने आगाह किया कि केजरीवाल जी तो आपका साथ दे रहे हैं, स्कीम बनाया, लाना चाहते हैं कैबिनेट में, लेकिन भाजपा चोर दरवाजे से एलजी ऑफिस को यूज करके, अधिकारियों का दबाव डाल करके वो उसको कैबिनेट में लाने से रोक रही है। तो जनता को जानना चाहिए कि ये दिल्ली की जनता ने जब, खास करके मेरे क्षेत्र जनता ने जब पिछली बार सांसद दिया था आम आदमी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का, इन्होंने क्या किया? 10 साल हो गया इनको सांसद बने, इन्होंने क्या किया? क्या कभी इन्होंने बात करी? क्या संसद में कभी बात उठाई? सरकार से कभी लड़े कि भाई ये दिल्ली की जनता को जो आप तकलीफ दे रहे हो वो ठीक नहीं है? नहीं लड़े। तो क्षेत्र की जनता आज इस बात को लेकर के तैयार हो गई है कि आओ वोट मांगने भाजपा वालों, बताता हूँ जिस प्रकार से तुमने हमें दुख देने का काम किया है, इसलिए हम आपको इस बार कुछ नहीं करेंगे, आपका साथ नहीं देंगे, नंबर वन। नंबर टू, ये जो होलिका दहन हुआ आज बिलों का, ये बहुत तकलीफ में हुआ है, क्योंकि ये तो ताकत हमारे कलम में है, हमारे कलम में वाइस चेयरमैन के नाते मेरे पास ताकत है ये, लेकिन उस ताकत का ये मान्यता नहीं दे रहे। ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, आपको आपने वाइस चेयरमैन तो बन गए, लेकिन अधिकारी तो हमारे पास है, आप कहोगे अधिकारी आप कहना नहीं मानेगा। इस बात को आज हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से उजागर किया है। जनता बहुत गुस्से में है, क्रोध में है कि भाई आने दो, जब तुम दरवाजे पे आओगे फिर बताऊंगा। आज हमने देखा कि एक प्रकार से भाजपा आज एक्सपोज हो गई है, इसका जनता जरूर बदला लेगी। आपके वार्ड को खास तौर से चुना गया और ये मुहिम पूरी दिल्ली में चलना था, लेकिन शुरुआत आपके वार्ड से हुई। कमल जी, आप बताइए कि आपके इलाके के जो लोग हैं वो किस तरह से परेशान हैं, और जाहिर है सबसे पहले आपके पास आते होंगे क्योंकि आप आम आदमी पार्टी से। देखिए, ऐसा है, जनता तो उसी के पास जाएगी जो मिलेगा, जो उपलब्ध होगा जनता उसके पास जाएगी। तो जैसे विधायक जी उपलब्ध थे पिछले 10 साल से, उसी तरीके से मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि मैं अपने क्षेत्र में अपनी जनता के लिए उपलब्ध रह सकूँ, और जनता को जब जब समस्या होती है वो हमारे पास आती है। और आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं वो पानी के जो बिल बढ़े हुए हैं उसको लेकर के आते हैं, और वो इस उम्मीद के संग आते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर है और आप हमारी पूरी मदद करेंगे और हमारे गलत बिलों को आप ठीक करेंगे। तो आज विधायक जी ने, अरविंद केजरीवाल जी की जो पूरी दिल्ली के अंदर मुहिम चल रही है, हम जनता को बता रहे हैं कि किस तरीके से चुनी सरकार के कामों को रोका जा,
रहा है, किस तरीके से भाजपा शासित जो हमारे एलजी साहब हैं वो दिल्ली की अच्छी अच्छी स्कीमों को रोक रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से विधायक जी ने एक बात बोली कि दिल्ली के अंदर सारी जनता के सुखों का एक ही राज है आम आदमी पार्टी और दुखों का एक ही राज है भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि वो किस तरीके से दिल्ली की जनता को परेशान कर सकती है, दिल्ली सरकार के अच्छे कामों को रोक सकती है, क्योंकि 24 में लोकसभा चुनाव है और 25 में विधानसभा चुनाव है, उनको पता है कि वो आम आदमी पार्टी के जितना काम तो कर नहीं सकते, तो उसको बदनाम करने के लिए सब काम किए जा रहे हैं कि वो ये समझते हैं कि एलजी द्वारा अगर ये स्कीम रोकी जाएगी तो जनता भारतीय आम आदमी पार्टी को गाली देगी, मगर उनको ये नहीं पता कि आज की डेट में सब लोग शिक्षित हैं, हमारी जनता शिक्षित है, उनको सबको पता है कि कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा। माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब इतनी अच्छी स्कीम दिल्ली की जनता के लिए लेके आए, मगर इनके सेक्रेटरी साहब एलजी साहब के इशारे पर सेक्रेटरी साहब उसको कैबिनेट में नहीं ला रहे, तो ये सब चीज़ें जनता तक पहुंच रही है, जनता समझ रही है कि कौन उनके साथ खड़ा है और कौन उनके साथ नहीं खड़ा। तो आज उसकी मुहिम हमारे वार्ड में हुई और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर परेशान हैं, उनमें से कुछ लोग यहाँ पर आए भी हों जिनके 4-4, 6-6 लाख के बिल हैं जमा हुए, सब ने यहाँ पर होलिका दहन किए इन बिलों को जलाकर। चलिए, तो ये तो रही बात नेताओं की, लेकिन अब जानते हैं, अब मिलते हैं उन लोगों से जिनके जो घर का जो बिल था पानी का वो जीरो था और लाखों तक कैसे पहुँच गया। मेरे साथ एक मैम है, मैम आप बताइए आपके घर का कितना बिल आया है और आपने भी क्या अपना बिजली का बिल जलाया है? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो कोरोना टाइम पे जीरो बिल आ रहे थे, लगातार जीरो बिल आ रहे थे, वो अब लाखों में पहुँच रहे हैं, तो ये तो सरासर तानाशाही देश बना चुके हैं कि इनकी बोलते हैं ना ये पुरुष प्रधान देश, तो कहीं भी लग रहा है कि ये पुरुष प्रधान देश है कि मनमानी चल रही है इस देश के अंदर, जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आम आदमी पार्टी जब से आई है तब से काम को बहुत स्मूथली किया जा रहा है और ये जिस भी काम को स्मूथली करते हैं उसी काम में आड़े आ जाते हैं हमारे माननीय एलजी साहब, उनके सेक्रेटरी साहब, और इनके बागडोर तो पता ही है किसके हाथ में है, नरेंद्र मोदी जी, जो इनको ऑर्डर करते हैं ये फटाफट उस ऑर्डर को मानते हैं और जनता को दुखी करने में अपनी कोई कमी नहीं छोड़ते। आप जैसे कि लोकसभा का चुनाव आ रहा है तो आप एक आम नागरिक हैं और आपको इतना पता है कि ये जो बिल रोके जा रहे हैं इसके पीछे एलजी साहब का हाथ है? बिल्कुल, पढ़ी लिखी जनता है दिल्ली की, जनता कोई मूर्ख जनता नहीं है, पढ़ी लिखी जनता है, ये जब चाहे ये भूल ना करे वो राजनेता जो कहीं दूर दराज के इलाकों में राजनीति करते हैं, ये दिल्ली की बात है और दिल्ली में कोई सोचे कि किसी का डिपार्टमेंट अपने हाथ में लेकर के किसी को परेशान करके अपना राजनीति सीधी कर लें तो बात ऐसी नहीं है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। सर क्या आपका बिल भी ज़्यादा आ रहा है और कितना आ रहा है? मेरे कम से कम 3 मकान हैं यहाँ पे और तीनों का बिल 6-7 लाख रुपए के लगभग आया हुआ है, किसी में 2 लाख रुपए, किसी में 2.5 लाख रुपए, किसी में 3 लाख रुपए। अच्छा, हमें बड़ी खुशी हुई कि जो ये स्कीम आई थी जो मुख्यमंत्री जी लेके आए थे माफ़ी योजना, बड़े दिन से इस स्कीम का या हम इंतजार कर रहे थे, लेकिन इसको बड़ी बेदर्दी से मुख्यमंत्री जी के काम को रोका जा रहा है और दिल्ली का सेक्रेटरी जो है वो भाजपा के इशारे पे और उपराज्यपाल जी भाजपा के इशारे पे ये गलत काम कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या आम आदमी हैं? नहीं, हम आम आदमी ही हैं, कार्यकर्ता नहीं है, मैं RWS प्रेसिडेंट हूँ। तो आप ये बताइए इस चीज को, पानी के ब्लॉक 30 से सारे लोग खुशियाँ मना रहे थे और इस सारी स्कीम पे पानी फेर दिया उपराज्यपाल जी ने और मुख्यमंत्री जी के सेक्रेटरी साहब ने, किसके इशारे पे किया? भाजपा के इशारे पे। क्योंकि क्या और लोग भी हैं जिनका बिल ज़्यादा आता था आप लोगों में? आपका आइए सर, यहाँ आइए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश है। राजेश जी, कितना बिल आता है था आपका और अब कितना आने लगा? मेरा बिल पहले जीरो आता था और अब भी मेरा बिल, यहाँ गौतम नगर में मेरे दोस्त का भी मकान है, उसका बिल आया है 1,10,000 रुपया। तो उस बिल से हम बहुत परेशान हैं, हमने हमारे विधायक जी और इनसे पार्षद जी से गुहार लगाई थी तो उन्होंने कहा रुको अभी स्कीम आएगी, हम बहुत खुश हुए, लेकिन अभी आपके विधायक जी तो जलबोर्ड के वाइस चेयरमैन है, फिर वो क्यों नहीं माफ़ करा पाते इस चीज़ को? हमें इसी चीज़ की खुशी थी ना कि हमारे विधायक जी जलबोर्ड के चेयरमैन भी है, हमें और ज़्यादा उत्साह हुआ कि अब तो हमारा बिल्कुल कम हो जाएगा, लेकिन जब LG साहब ने अपना रोड टांग बीच में अड़ा दी कि नहीं तुम इस काम को नहीं कर सकते, तो हमारे विधायक जी ने हमें बुला के कहा कि राजेश जी हम इस काम को करने में असमर्थ है, तो हमें गुस्सा आया कि आप तो चेयरमैन हो आप क्यों नहीं कर सकते। तो फिर हमारे विधायक जी ने हमें समझाया कि बच्चे हमारे LG साहब ने जो हमारे सेक्रेटरीज हैं ना उनको पट्टी पढ़ा दी है कि इस स्कीम को आप बंद करा दो। देखिए, ये दिल्ली की जनता है और हर उस टेक्निकली जो फॉल्ट हो रही है, जो गेम हो रहा है, वो सब इन बातों को जानती है। कुछ और लोग, सर आपके हाथ में काफ़ी सारा बिल था, आप तो प्रोटेस्ट में काफ़ी आगे आ गए थे, पहले ये बताइए आप
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है या आम आदमी? मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा जी, आप बीजेपी के कार्यकर्ता? अब मैं आम पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। तो ये जो बिजली के बढ़े हुए बिल है आपका कितना? मेरा भी 3 लाख रुपए बिल है। अच्छा, इसीलिए मैं इनके साथ आया हूँ। मैंने बीजेपी को छोड़ दिया। फिर ये तो जलबोर्ड के चेयरमैन वाइस चेयरमैन है। हाँ, तो ये नहीं करा पा रहा है। नहीं तो अब ये करेंगे ना, अब इनके साथ जब हम लगेंगे जुड़ेंगे जब भी तो कोई करेगा। जब हम जुड़ेंगे ही नहीं यार, कोई जाएगा ही नहीं तो करेंगे कहाँ से भाई? करेगी तो पब्लिक ही, जी इनके पास जाएगी जब ये। भारती जी देखिए, कुछ भी हो घूम फिर के बात आप पर ही आएगी, क्योंकि जनता ने आपको चुना है। उन्हें ये आप जानते हैं कि फाइल कहाँ रुक रही है, स्कीम आप लोग कहाँ रुकी है, लेकिन सभी को जो आशाएँ हैं वो आप ही से है, आपकी पार्टी से, आपके डिपार्टमेंट से है। तो इस परेशानी से आप कैसे निपटेंगे सर? देखिए, चूंकि जनता के आगे सब कुछ रखना ज़रूरी है, ईमानदारी से जब सब कुछ रखते हैं जनता के आगे ना, तो जनता बेवकूफ़ नहीं है। जनता समझती है मेरा विधायक हमारे साथ है, हमारे सुनता है, हमारी करता है, हमारे लिए मुख्यमंत्री के पास जा सकता है, हमारे लिए कहीं भी जा सकता है, ये हमारा पार्षद हमारे साथ है। तो हर प्रकार से हम जनता के साथ हैं। जब जनता को मालूम पड़ा, आपने अभी बातचीत किया जनता के साथ, कि भाई ये तो करना चाहते हैं, स्कीम बना दिया इन्होंने, स्कीम बनाने के बाद इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सेक्रेटरी महोदय ने रखना है इसको कैबिनेट के अंदर, तो जब सेक्रेटरी भाजपा कहने पे इसको कैबिनेट के सामने नहीं रख रहा है या उसको रिफ्यूज कर रहा है, तो नेचुरल सी बात है ये सारा दोष भाजपा में है। क्योंकि भाजपा चाहती है कि एन केन प्राकरेन जो काम केजरीवाल जी के हाथ हो रहा है वो रुक जाए और दिल्ली की जनता में रोष आ जाए कि भाई हमारा काम नहीं। तो दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है, दिल्ली की जनता सब कुछ देखती है कि जो सांसद इनको 10 साल से उपलब्ध नहीं हुआ उसके प्रति रोष है कि कितनी बार आपने हमारे लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठा ली। तो आज दिल्ली पूछ रहा है माननीय मोदी जी से, भाजपा से, कि केजरीवाल जी तो हमारा सुख लाना चाहते हैं, आप दुख क्यों ला रहे हैं हमारे? आज ये प्रोटेस्ट आप लोग शुरू किए, इसको किस हद तक जाएंगे और इसका अंत कैसे करेंगे आप? देखिए, पूरी दिल्ली में जहाँ जहाँ जिन जिन का बिल एक्सेस आया है, जो जीरो से बन गया 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख, वो सभी लोग हमारे साथ इस पूरे प्रोटेस्ट में हैं। हम घर घर भी गए, लोगों इकट्ठा भी किए, आज हर कोई जान रहा है कि उनका जो बढ़ा हुआ बिल आ रहा है उसको माफ़ करने की योजना केजरीवाल जी लेकर के आए, लेकिन भाजपा नहीं आने दे रहा। तो ये जो अपना प्रोटेस्ट है इसको आगे भी बढ़ाएंगे क्या, जंतर मंतर पे भी आप लोग धरना? देखिए, चूँकि इनके पास पुलिस भी है, उनके पास सब कुछ है, जहाँ जहाँ हो पाएगा जिस भी प्रकार से आंदोलन हम कर पाएंगे हम जरूर करेंगे, पूरी दिल्ली में लख जगाएंगे और बताएंगे कि भैया अभी मौका है, पूछो इनसे कि जब दिल्ली वासियों को केंद्र सरकार तंग कर रही थी, एलजी साहब तंग कर रहे थे, तो आपका सांसद कहाँ था, पूछिए। जी तो ये थे जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन और मालवीय नगर विधानसभा के जिनता, जिनका जो बिल है वो लाखों में आ रहा था और अपनी समस्या को लेकर ये लोग विधायक जी के पास पहुंचे, लेकिन विधायक जी जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन होने के बावजूद भी लाचार नजर आए। कारण ये है कि जो स्कीम दिल्ली सरकार लेकर आ रही है वन टाइम सेटलमेंट, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता और आम जनता आज सड़कों पर उतरकर उन बिलों को जलाई है जिनका बिल लाखों रुपए आया है, और दावा यही है कि ये लोग लाखों रुपए जो हैं वो जमा नहीं करेंगे। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।